दिल्ली से रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में बीच में आता है दौलताबाद फोर्ट। हाँ, वो थोड़ी देर में आने वाला, वो दिखाता हूँ मैं उसको क्रॉस करें, जहाँ पर पिछली वीडियो में गए थे। यहाँ से थोड़ा क्लोज लुक दे देता हूँ, फोर्ट का क्लोज लुक है। वो टॉप पे मंदिर भी है एक, यहाँ से सही एकदम लुक है। ग्रीष्मेश्वर आए तो यहाँ दौलताबाद फोर्ट जरूर आए। 2 से 3 घंटे लगते हैं फोर्ट में अगर आके देखे। ऑन द वे टू ग्रीष्मेश्वर, ये मैंने बीच में दौलताबाद फोर्ट दिख रहा है एकदम सही, इसकी मैं सोच रहा था यहाँ से वीडियो बना लूँ। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, क्लोज अप में दिखाता हूँ। वाह, वो देखो टॉप पे मंदिर है और फोर्ट है ऊपर, ग्रेट। और ये इधर व्यू अच्छा है और इधर हम जा रहे हैं ऑन द वे, ये हमारा रास्ता है, इधर से आ रहा है, पहाड़ी एरिया है काफ़ी। ये देखें मेरे पीछे फोर्ट दिख रहा है एकदम सही, थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ। पिछली वीडियो मैंने बताया था आपको इस फोर्ट के बारे में, दौलताबाद फोर्ट काफ़ी सेफ फोर्ट माना जाता है और 700 साल पुराना फोर्ट है, 700-800 साल पुराना फोर्ट। और यहाँ से हम निकलेंगे हम ग्रीष्मेश्वर, और ये रास्ता जाएगा ग्रीष्मेश्वर यहाँ से। ये पीछे मेरे आप देखिए पहाड़ी, बहुत अच्छा एरिया है, यहाँ आ सकते हैं घूमने के लिए भी, किसको दर्शन करने तो दर्शन कर सकता है या किसको फोर्ट में आना फोर्ट में आ सकता है। बहुत काफ़ी चीज़ें यहाँ देखने के लिए, हम 3-4 दिन का प्लान बना के आए इधर, तो 2 दिन हमें हो गए हैं, अभी आगे और चीज़ें देखेंगे। भाई हम आ गए हैं ग्रीष्मेश्वर, ये पार्किंग है यहाँ की, एकदम बाजू में ही पार्किंग है। कहते हैं कि मंदिर में फ़ोन वोन लेके नहीं जा सकते, और इवन कपड़े भी कुछ धोती वगैरह होती है वो बांधनी पड़ती है। और अब देखते हैं आगे जाएंगे यहाँ से, और इधर भी एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है, पर ये रास्ता है यहाँ से जाना पड़ेगा। और देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हो ग्रीष्मेश्वर मंदिर, दर्शन करा रहा हूँ यहाँ से आपको। मंदिर के अंदर तो कैमरा नहीं लेके जा सकते, पर यहाँ से दर्शन करा रहा हूँ। वो देखो पीछे एकदम मेन मंदिर दिख रहा है, और आसपास और एक दो मंदिर और हैं, पर ये मेन मंदिर है। थोड़ा क्लोजअप में कर देता हूँ इसको, नहीं हाँ ठीक है, ये दूसरे एंगल से देखें, क्लोजअप में लिया है मैंने, मंदिर दिख रहा है, दर्शन कर लो, फ्री में दर्शन करा दिए हैं यूट्यूब पर आप। इधर सुबह जल्दी आए तो भीड़ कम होती है, फिर भीड़ बढ़ती जाती है। और यहाँ आसपास काफ़ी दुकानें हैं, किसी को सामान ख़रीदना हो तो ख़रीद सकता है। और यहाँ इसके बिल्कुल उस साइड एलोरा केव्स हैं, उधर जाएंगे हम थोड़ी देर में। तो यहाँ एलोरा केव्स आएँ तो मंदिर के दर्शन ज़रूर करें, और मंदिर आए तो एलोरा केव्स भी जाएँ, यहाँ से 1/2 किलोमीटर दूर है। और ठीक है, और खाने पीने के भी अच्छे रेस्टोरेंट हैं पास में, ठहरा भी जा सकते हैं, 3-4 अच्छे रेस्टोरेंट हैं, जब मैं आ रहा था तो मैंने रास्ते में देखे थे। तो ये पास में एक और भी कुछ है, ठीक है, और क्लोजअप लेता हूँ मंदिर का, ये रहा, तो कर लीजिए ग्रीष्मेश्वर के दर्शन। ओके, मंदिर के दर्शन कर लिए हमने ग्रीष्मेश्वर के, और यहाँ से हम अब एलोरा केव्स के लिए निकल रहे हैं। पीछे से यहाँ से आए हैं, तो यहाँ एक रेस्टोरेंट है, अच्छा खाना मिल रहा है, ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे एलोरा के लिए। एलोरा केव्स में फिर मिलते हैं।